अलैकुम। अभी हम मालम जबा से हैं ग्रीन वैली, और यहाँ पे ये ट्राउट फिश का फार्म है। ओरिजिनल ट्राउट है ये। और ये सीन आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गहराई है। यहाँ पे सीढ़ियाँ दी हुई हैं, और वो जो पत्थर नज़र आ रहे हैं सामने, यहाँ से चश्मा निकलता है, आबशार है। पानी के लिए पाइपलाइन बिछाई हुई है। तकरीबन 15 से 20 मिनट गाड़ी का रास्ता है। वहाँ पे गाड़ी ड्रॉप कर देती है आपको, वो रुक जाती है पार्किंग में। उसके बाद हमें हाइकिंग करके जाना होता है ऊपर, और ये हाइकिंग ट्रैक है, साथ ही जंगल भी है। सुबह सुबह का टाइम, अभी नाश्ता भी नहीं किया, और सूरज की किरणें बहुत मज़ा दे रही हैं, कमाल है। और यहाँ से रास्ता कुछ ख़तरनाक हो गया, ट्रिकी सा। अब देखते हैं यहाँ से कैसे गुजरा जाता है। ये भी पानी निकल रहा है इधर से, और बहुत ही मजेदार सीन है। एक घरों को पानी के लिए सप्लाई है, पानी की पाइपलाइन। ये इसके बारे में कुछ मालूम है। लश ग्रीन वैली, अभी आइए अभी देखते हैं कितनी लश है ग्रीन वैली। ग्रीनरी से टोटल रास्ता जो हाइकिंग है, और सुबह सुबह हाइकिंग का बहुत मजा आ रहा है। का सीन है, और आगे तो पानी, यहाँ पानी नजर आ रहा है, आगे देखें आपको पानी नजर नहीं आएगा। ये मेन पॉइंट है चश्मे का, यहाँ से चश्मा निकल रहा है। आगे ये देखिए बिल्कुल खुश गए, यहाँ से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। अभी मैं छोटी सी पहाड़ी के ऊपर चला हूँ, और सांस फूल गई है क्योंकि ज़्यादा देर हाइकिंग नहीं की, बहुत देर हो गया हाइकिंग करते हुए। नॉर्मली आप करते रहे तो अच्छा रहता, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और सामने कलाम के वाइट वाइट पहाड़ नज़र आ रहे हैं, और ये जंगल है। और ये जगह देख लगता है कि किसी दौर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आता था, और ये पानी के बहाव से देखें पत्थर कैसे गिरे हुए हैं। और अभी पानी बिल्कुल बंद हो गया, बस एक चश्मा ही है। और जो कहते थे कि लश ग्रीन वैली है, उसका तो कोई इतना नामो निशान नहीं मिला। बता थोड़ी सी पहाड़ी है, उसमें ग्रीनरी काफ़ी है। खैर अभी मौसम भी खतरनाक है,
बाहर का मौसम नहीं है, ये सीन होते हैं बाहर के मौसम में देखने वाले। आते हुए किसी वजह से हम आपको रास्ता नहीं दिखा सके, अभी वापसी भी आपको रास्ता भी चेक कराएंगे कैसा है। और ये पत्थर बहुत प्यारे हैं, और मेन बात है कि इधर जो गाड़ी वाले आते हैं वो आपके साथ नहीं आते, उधर ही रुक जाते हैं पार्किंग में गाड़ी के पास, और इधर आपको गाइडर नहीं मिलता। गाइडर मिल जाए तो बड़ा ले बंदे को देखने के लिए अच्छा होता है, वो हर चीज़ बात समझा सकते हैं। और पीछे चश्मा बंद हो गया था, और यहाँ से फिर एक और चश्मा निकला हुआ। इधर भी ग्रीनरी है और मज़ेदार सीन है, पहाड़ चक्कर है पत्थर। ये जंगल के अलावा मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, या पानी है या जंगल है। ग्रीनरी तो बिल्कुल भी खजान की वजह से नहीं है, और ये आगे भी ऐसे ही है, और ये जंगल का सीन है। जी अभी हम निकल आए हैं वापसी के लिए, और एक और बात आपको बता दूं कि शायद आपने भी देखा होगा कि मैं वीडियोस में इतनी ज़्यादा तारीफ़ें नहीं करता, तो तारीफ़ उसकी करनी चाहिए वो वाकई तारीफ़ के काबिल है, जैसे मालूम जब्बा हो गया, कलाम महूड एंड सैफुल मलूक, और जिन जगहों पे इन जीप वालों ने छोटी छोटी जगह बनाई हुई हैं कि जी यहाँ आए बहुत अच्छा व्यू है, ये है अपने पैसे कमाने के लिए मतलब के, तो वहाँ पे ना ही जाएं तो बेहतर है, क्योंकि सीन भी कोई नहीं होता, सिर्फ इनका दाव पेज ही होता है, उन्होंने पैसे कमाने और आपसे कमा लेते हैं आपको बता बता के। और तस्वीरें इन्होंने जो अपने कार्ड्स पे लगाई हुई हैं वो बहुत VIP पता नहीं कहाँ की हैं, शोगरा की हैं, कहाँ की हैं, बड़ा VIP एरिया, और जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे बस यही नज़र आ रहा है जो नीचे गाँव में नज़र आ रहा था, सिवाय चश्मे के, या जंगल है या चश्मा और कुछ भी नहीं है, ग्रीन वैली का तो नाम ही नहीं है। तो शायद कि मेरा ये कहना गलत हो खजा की वजह से, लेकिन अदरवाइज मुझे इधर घास वगैरह तो कहीं नज़र नहीं आई, जो ग्रीन वैली इन्होंने पिक्चर्स में दी हुई है वो वाली कम से कम मुझे नज़र नहीं आई, और उसके हम पल्ला भी कोई नहीं है यहाँ जो हमने देखा जो उनकी पिक्चर्स में।